भीषण गर्मी से झुलस रहे बिहार और झारखंड के लिए बड़ी राहत की खबर है। दोनों राज्यों में बिहार और झारखंड में अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। जल थमेगा, मॉनसून का इंतजार। बिहार और झारखंड में हीट स्ट्रोक से अब तक 125 लोगों की जाने गई हैं। दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में मॉनसून के दस्तक देने से मौसम साजगार हुआ है, जिससे पटना, गया और भागलपुर जोन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। इन दोनों राज्यों में धीरे धीरे बारिश में काफी वृद्धि होगी। 20 जून के बाद से कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। बंगाल के उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण बारिश की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं नमी बना रही हैं, जिससे बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 26 जून के आसपास फिर से एक बार बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इस दौरान बिहार में बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी और उम्मीद है कि निचले भागों में जैसे चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश होगी। बिहार के आंतरिक हिस्से जैसे मुजफ्फरपुर, पटना, गया और नवादा में हल्की बारिश होगी। इसके विपरीत झारखंड में इस दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश की गतिविधियां इस सप्ताह इसी तरह जारी रहेगी।